वही गाथा लेखा कर्म के इकाई दो अध्याय दो के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे साझेदारी फर्मों के लेखांकन मूल तत्व। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि साझेदारों के जो पूंजी खाते बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, स्थाई एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो ये स्थाई पूंजी खाते क्या होते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे, इनका प्रारूप किस प्रकार का है और इनमें अंतर क्या क्या हैं ये भी हम देखेंगे। तो ये पूंजी खाता रखने की जो विधि है, साझेदार जो है वो दो प्रकार से, दो विधियों से पूंजी खातों को रख सकता है। पहला जो है स्थाई पूंजी खाता और दूसरा कहलाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। यहाँ हम देखेंगे कि स्थाई पूंजी खाता क्या होता है। एक व्यवसाय में जब साझेदार पूंजी लगाता है तो प्रारंभ में जो पूंजी व्यवसाय में लगा देता है वो पूंजी कैसी होती है, स्थिर होती है। तो इस विधि के अंतर्गत साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी सदैव क्या होती है, स्थिर रहती है। और जब तक साझेदारी फर्म संचालित होती रहती है संपूर्ण अवधि तक, तब तक सामान्य रूप से पूंजी स्थिर बनी रहती है। कब तक, जब तक कि समझौते के अधीन यदि कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं लाई जाती या कोई पूंजी स्थाई पूंजी में से स्थाई रूप से नहीं निकाली जाती। तो आशा यहाँ पर यह है कि स्थाई पूंजी खाते में साझेदार के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वो स्थाई रहती है। जब तक साझेदारी चलती रहती है तब तक स्थाई रहती है, जब तक कि उसमें अतिरिक्त पूंजी ना जोड़ी जाए या कोई स्थाई रूप से पूंजी ना निकाली जाए। चूंकि इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। अब यहां पर साझेदारों के पूंजी खाते के साथ साथ एक अतिरिक्त खाता भी खोला जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। तो यहां पर जब हम स्थाई पूंजी खाता बनाते हैं तो दो खाते तैयार होते हैं इसमें, नंबर एक स्थाई पूंजी खाता और दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। तो यहाँ जो दूसरा खाता हम चालू खाता बनाते हैं इसमें साझेदारों के अन्य व्यवहार, जैसे यदि किसी साझेदार के द्वारा आहरण किया गया तो आहरण की राशि, आहरण पर ब्याज जो प्राप्त हुआ और इस पर पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन या कमीशन, इन सब का लेखा किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाते को हम जो खाता कहते हैं वो साझेदारों का चालू खाता कहलाता है। उपयुक्त इस प्रकार से स्पष्ट है, यहाँ हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के खाते पूंजी खाते विधि के अंतर्गत जो स्थाई पूंजी खाते में खोले जाते हैं, नंबर एक है साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा है साझेदार का चालू खाता। तो यहाँ पर स्थाई पूंजी खाते के अंतर्गत जो पहला खाता है उसमें साझेदारों की पूंजी हमेशा स्थाई रहती है, दूसरा चालू खाता जिसमें साझेदारों के द्वारा अन्य व्यवहार होते हैं, आहरण पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन या कमीशन, इनका लेखा किया जाता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकार से दिए हैं, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। तो अभी जो हमने बताया यहां कि साझेदारों के पूंजी खाते में सिर्फ साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी का ही उल्लेख किया जाता है, इसके अलावा अन्य किसी भी व्यवहार का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। इसलिए इस खाते का शेष हमेशा एक समान ही रहता है, यानी पूंजी का शेष हमेशा स्थायी एवं निश्चित होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जब तक कि समझौते के अंतर्गत उसमें कोई अतिरिक्त वृद्धि या कमी ना की गई हो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थाई पूंजी खाता। तो दूसरा खाता जो इसमें तैयार होता है स्थाई पूंजी खाते के साथ वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ प्रत्येक साझेदार के लिए एक चालू खाता खोला जाता है। इस चालू खाते में उस साझेदार से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का लेखा किया जाता है, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ या हानि का आदि का लेखा। चालू खाते में इस तरह से विभिन्न लेखा करने से
खाते पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूंजी खाता क्या है, सदैव स्थिर रहता है और जो साझेदारों की अन्य मदें हैं, अन्य व्यवहार हैं, उनको चालू खाते में साझेदार से संबंधित बाकी व्यवहारों को हम लिख देते हैं। यहाँ पर जो साझेदारों के चालू खाते का डेबिट शेष होता है वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में व क्रेडिट शेष जो है दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अब यहाँ हमारे सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्थायी पूंजी खाते में दो प्रकार के खाते जो बनते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। तो यहाँ जो स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत है, यहाँ पर हम देखते हैं टू कैश बैंक अकाउंट विड्रॉल इफ एनी, यदि साझेदारों के द्वारा कोई राशि यहाँ पर निकाली गई तो इसको हम लिखेंगे। इसके पहले क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो साझेदारों का लाया गया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। फिर इसके बाद क्रेडिट पक्ष में यदि कोई अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, यदि किसी साझेदार के द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो उसका डिटेल भी हम ए द्वारा कितनी लगाई गई, बी द्वारा कितनी लगाई गई, इसको हम यहाँ लिखेंगे। डेबिट पक्ष में यदि कोई राशि आहरित की गई है साझेदारों के द्वारा तो उसका विवरण यहाँ देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर हम जो टोटल है देख के, क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल योग करके, यहाँ पर हम डेबिट में जो बैलेंस आ रहा उसको कैरिड डाउन अगले खाते में हम यहाँ पर ले जाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये स्थायी पूंजी खाता। दूसरा जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें जो है यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट पक्ष में हम साझेदारों के ओपनिंग बैलेंस को लेकर आते हैं। फिर साझेदारों के द्वारा जो पूंजी पर ब्याज दिया गया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। और इसी प्रकार से वेतन, यदि साझेदारों के द्वारा कोई वेतन लिया गया है तो ए के द्वारा या बी के द्वारा जिसके द्वारा वेतन लिया गया उसको लिखेंगे। इसके बाद कमीशन, किसी साझेदार के द्वारा कमीशन प्राप्त किया जाता है तो ए का या बी का जिसका भी कमीशन है वो लिखेंगे यहाँ। इसके बाद शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, यदि लाभ हानि खाते में से साझेदारों को लाभ हुआ है तो लाभ का जो हिस्सा है ए का और बी का, उनके जो अनुपात में लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लाभ का वितरण हुआ है, उसको हम लाभ को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर यदि कोई डेबिट बैलेंस है डेबिट पक्ष में तो साझेदारों का उसको लिखेंगे। इसके पश्चात यदि कोई आहरण साझेदारों के द्वारा किया गया तो उसको यहाँ लिखेंगे, जितना जितना अमाउंट आहरित किया गया। इसके बाद पश्चात साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया गया उसको यहाँ हम लिखेंगे। इसके पश्चात लाभ हानि नियोजन खाते में से यदि कोई हानि हुई है, यहाँ हम देख रहे हैं शेयर ऑफ लॉस, तो यदि कोई हानि हुई है तो इस हानि को यहाँ हम लिखेंगे यदि हानि हुई है तो। और इसके पश्चात जो है यहाँ पर हम इसका टोटल देखेंगे, यदि टोटल जो है डेबिट का अधिक है तो यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर डेबिट पक्ष में आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शेयर ऑफ लॉस और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो है कोई भी एक चीज़ होगी, यदि प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट पक्ष में और लॉस है तो ये आपके डेबिट पक्ष में आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दो खाते जो तैयार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी खाता, साझेदारों के स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता बनाने के पश्चात यदि वो खाते बनाए जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाया जाता है। इस पद्धति के अनुसार जो है लेखा करने में सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है और वो है साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाते में पूंजी का लेखा तो किया जाता है परंतु इसके व्यवहार के साथ साथ साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा भी इसमें किया जाता है। में लेखा होने से पूंजी खाते का शेष क्या है बदलता रहता है, इसलिए इस खाते को हम परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। इस खाते में साझेदार से संबंधित ब्याज, कमीशन, आहरण, वेतन आदि का लेखा किया जाता है। जो प्रविष्टियां चालू खाते में की जाती हैं वही प्रविष्टियां यहां पर भी की जाती हैं। तो यहां हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता और आपका चालू खाता है उसका क्या है, मिश्रित खाता जो है वो पार्टनर्स कैपिटल ये अकाउंट जो है
कहलाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो ये किस प्रकार से होगा, इस प्रकार प्रारूप हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बैलेंस ब्राट डाउन, साझेदारों के जो पूंजी खाते के शेष हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ए का है तो बी का है जितना है उसको हम लिखेंगे। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के द्वारा जो ब्याज प्राप्त हुआ साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर, तो जितनी ब्याज प्राप्त हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। सैलरी, यदि किसी साझेदार को वेतन प्राप्त होता है, मान लीजिए ए को प्राप्त होता है या बी को प्राप्त होता है, तो जिसको भी प्राप्त होता है उसको हम अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। कमीशन, इसी प्रकार से ए साझेदार या बी साझेदार जिसको भी कमीशन मिलता है उसको यहाँ हम लिखेंगे। इसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिपिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। लाभ हानि नियोजन खाता जो हमने साझेदारों को बनाया था उसमें से जो लाभ प्राप्त हुआ है उसको हम, जो उनके अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ए को जितना लाभ प्राप्त हुआ, बी को जितना लाभ प्राप्त हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं डेबिट पक्ष में। यदि किसी साझेदार को द्वारा आहरण किया गया, ड्राइंग की गई अकाउंट की राशि, तो आहरण की राशि एक ने कितनी की, बी ने कितनी की, इसको लिखेंगे। फिर साझेदारों के द्वारा आहरण पर दिया गया ब्याज, ए के द्वारा कितना दिया गया, बी के द्वारा कितना दिया गया, इसको लिखेंगे यदि सवाल में दिया हुआ है। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिपिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, लाभ हानि नियोजन खाते से जो हानि यदि हुई है तो प्रत्येक साझेदार को जो हानि का हिस्सा मिला है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ देखने वाली बात है कि या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लाभ का हिस्सा आएगा या डेबिट पक्ष में लॉस हानि का हिस्सा आएगा। इसके पश्चात यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे और जो बैलेंस है वो डेबिट पक्ष में यहाँ पर उसका बैलेंस आएगा, जिसको हम आगे लेके जाएंगे। इसके बाद है स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। अभी जो हमने दोनों खाते देखे, अब इसमें विशेष रूप से दोनों में अंतर क्या है, तो पहला देखते हैं हम शेष के आधार पर। तो स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष मुख्यतः क्रेडिट होना चाहिए, परंतु कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। तो स्थायी पूंजी खाते का जो बैलेंस हमने देखा था हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। वहीं परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष मुख्य रूप से क्रेडिट ही होता है, कभी कभार डेबिट हो सकता है। लेखे की मदे, इस खाते में सिर्फ पूंजी का ही लेखा किया जाता है। स्थायी पूंजी खाते में जो हमने बताया कि ये स्थायी पूंजी खाता है, इसमें सिर्फ साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसी का लेखा किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते में साझेदारों के द्वारा लगाई गई स्थायी पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभ, आहरण आदि का लेखा भी किया जाता है। फिर तीसरा, पूंजी की स्थिरता, स्थायी पूंजी खाते में पूंजी हमेशा स्थिर ही रहती है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अंतिम जो है इसमें चालू खाता। स्थायी पूंजी खाता में हमने देखा था कि दो प्रकार के खाते उसमें बनते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। तो इस प्रणाली में पूंजी खाता रखने के लिए चालू खाता अलग से खोलना पड़ता है, और परिवर्तनशील पूंजी खाता जो है एक ही प्रकार का खाता बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें साझेदारों की पूंजी का लेखा और अन्य मदों का लेखा, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभ, आहरण, इन सब का लेखा इसी में किया जाता है। इस प्रणाली में अलग से कोई खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कुछ अभ्यास के प्रश्न आपके लिए दिए हैं जो अभी तक हमने इस अध्याय के अंतर्गत पढ़े हैं। उसमें साझेदारी से आशय एवं साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। साझेदारी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर एक साझेदार को फर्म में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उनको हमें समझाना है। इसके अलावा साझेदारी संलेख से आशय, संलेख की प्रमुख बातें या बिंदुओं को समझाइए। और अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। अगला प्रश्न है, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, इसमें दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ स्थायी पूंजी पद्धति से क्या आशय है तथा ये परिवर्तनशील पद्धति से किस प्रकार भिन्न है। स्थायी पूंजी खाते से यदि जो खाते बनाए जाते हैं और परिवर्तनशील से बनाए जाते हैं तो उन दोनों पद्धतियों में क्या अंतर है, यहाँ हमें समझाना है। फिर स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते को समझाना है, दोनों में अंतर क्या अंतर है उनको स्पष्ट करना है। तो ये कुछ प्रश्न जो हैं इनको आपको अपनी कॉपी में तैयार करना है।